युवंश मैं और नेहा जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आपको भी दिखाने वाले हैं कि मार्केट किस तरीके से सजा हुआ है। कि मुझे पटाखे लेके आने हैं, मुझे ये लेके आना है। हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जिम्मी नेहा व्लॉग चैनल पर। और दोस्तों, दिवाली का सारा काम पूरा हो चुका है, साफ सफाई पूरी हो चुकी है, और दिवाली स्नैक जो दिवाली पर सामान बनाए जाते हैं भोग लगाने के लिए, वो भी सब कुछ रेडी है। जैसे मीठी पापड़ी हो गई, चरकी पापड़ी हो गई, गुलाब जामुन, मठड़ी, और भी मतलब पापा ने काफी सारे आइटम्स बनाए हैं, सबने मिलकर बनाए, तो फिलहाल वो सब कुछ रेडी हो चुका है। अब तो काम सिर्फ बाकी है तो शॉपिंग का। तो फिलहाल युवंश मैं और नेहा जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आपको भी दिखाने वाले हैं कि मार्केट किस तरीके से सजा हुआ है, मार्केट में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, सब कुछ दिखाने वाले हैं आज के इस व्लॉग में। तो दिवाली स्पेशल मार्केट में क्या क्या है वो सब कुछ भी दिखाने वाले हैं। तो फटाफट से बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग आपके लिए स्पेशल वीडियोज के साथ साथ डेली व्लॉग्स और लाइफ स्टाइल व्लॉग्स लाते रहते हैं। तो अभी फिलहाल युवंश की तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई थी रात में, तो अभी दवाई वगैरह दी है युवंश को, और सुबह भी दे दी थी, तो अभी थोड़ा ठीक ठाक है, वरना सुबह तो बोला भी नहीं जा रहा था इससे। और अभी तो युवंश मार्केट जाने के लिए रेडी हो चुका है, क्योंकि उसे है कि मुझे पटाखे लेके आने हैं, मुझे ये लेके आना है, वो लेके आना है, तो इसीलिए थोड़ी तबीयत ठीक है इसकी, इसीलिए जा पा रहे हैं, वरना हम भी नहीं जाते मार्केट। तो अभी फिलहाल मार्केट, हाँ बोलो 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 बोलो, बॉम्ब लेके आएगा। बॉम्ब लेके आएगा। तो अभी फिलहाल मतलब मार्केट जा रहे हैं, और मार्केट आपको दिखाएंगे कि दिवाली में मतलब मार्केट में क्या क्या रौनक है, सब कुछ दिखाने वाले हैं इस व्लॉग में। तो फटाफट से बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और चलिए हमारे साथ आपको भी घुमाते हैं 12 राजस्थान का मार्केट। तो मार्केट में अपने और काम करने के बाद मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ मार्केट में, जो हेमा फुटवेयर शॉप है सैंडल्स वगैरह की। तो मतलब मेरा लेने का तो कुछ था नहीं, लेकिन पतिदेव ने बोल दिया कि तुमको लेने हो तो ले लो, तो कौन छोड़ना चाहेगा शॉपिंग। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अपने लिए सैंडल देखे, और मुझे दो जोड़ी सैंडल पसंद आ गए थे, तो मैं दोनों लेके आ गई। तो दोस्तों, अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं फटाका मार्केट में, और 12 राजस्थान, और 12 राजस्थान के आसपास के लोगों को तो पता है कि 12 राजस्थान में हायर सेकेंडरी के जो मैदान है उसी के अंदर फटाका मार्केट लगता है। तो यहाँ पर फटाका मार्केट वगैरह लगा हुआ है, और आप लोग देख सकते हैं ये हायर सेकेंडरी स्कूल है। तो यहाँ पर ये माचिस गन है, और इस माचिस गन का वीडियो यूट्यूब पे युवंश ने देख लिया था, और युवंश को यही वाली गन चाहिए थी, इसी के लिए हम लोग घूम रहे थे काफ़ी देर से, लेकिन ये हमें मिल चुकी थी। और जहाँ पर मिली, ये इनका नाम है कुशल मित्तल जी, और इनकी शॉप नंबर 39 है, और 28 नंबर की शॉप भी इनकी है। तो आप यहाँ पर जाकर फटाखे खरीद सकते हैं, और ये जो माचिस गन है ये मार्केट में नया प्रोडक्ट है, तो आप लोग इसे यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। घर पर लाने के बाद हमने इसे यूज किया है, वहाँ पर मतलब परमिशन नहीं है कि आप लोग माचिस वगैरह जला सकें और फटाखे वगैरह चला सकें, तो घर पर लाकर हमने इसे यूज किया, और काफ़ी अच्छी गन है। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोग फटाखे खरीद सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको रंगोली वगैरह रिलेटेड आइटम्स, रंगोली मिल जाएगी, आपको पोस्टर्स मिल जाएंगे, शुभ लाभ वगैरह, स्वास्तिक वगैरह, हर एक चीज़ मिलने वाली है। ये सारी चीज़ें हमारी शॉप पर भी अवेलेबल है, और यहाँ पर मतलब आपको हर चीज़ मिल जाएगी फटाका मार्केट में ही। आपको ये वाली रंगोली भी मिल जाएगी जिसे बोला जाता है मेटल वाली रंगोली, ये भी मिल जाती है। दोस्तों, अभी फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं हायर सेकेंडरी स्कूल के पास में, और यहाँ पर पूरा फटाका मार्केट है, और यहीं पर जैसे आप अंदर एंट्री करेंगे तो फर्स्ट में एक शॉप आएगी जिसपे सारा सामान मिल जाएगा आपको, रंगोली वगैरह सब कुछ। तो फिलहाल यहाँ पर है सुनील भैया, इनकी शॉप है, आप शक्ल देख सकते हैं। तो अगर आपको खरीदारी करनी है दीपावली स्पेशल, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, और अच्छे से आपको सारा सामान यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, नेहा ने, युवंश ने, सबने शॉपिंग कर ली थी, बाकी था मैं। तो फिलहाल अब बस मेरे लिए कपड़े लेने के लिए हम लोग पहुँचे रेडीमेड शोरूम पर, और जो ये रेडीमेड शोरूम आप लोग देख रहे हैं, ये रेडीमेड शोरूम है रोहित भाई का, रोहित नायक सरकार का। तो फिलहाल इन्होंने मुझे मैसेज कर दिया था कि जिमी भाई नया स्टॉक आ चुका है कपड़ों का, तो आप आ जाइए लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ कपड़े लेने के लिए। अभी हाल ही में यहाँ पर दूसरे कस्टमर है, तो उनको वो कपड़े दिखा रहे हैं, और हमारे लिए उन्होंने चाय वगैरह ऑर्डर कर दी थी, तो हम लोग चाय वगैरह पी रहे हैं। फिलहाल ये दूसरे कस्टमर को दिखा रहे हैं अभी कपड़े, फिर उसके बाद हमारा नंबर आएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर नेहा सेलेक्ट कर रही है मेरे लिए ड्रेस, क्योंकि नेहा की पसंद काफ़ी अच्छी होती है और नेहा ही हमेशा सेलेक्ट करती हुई आई है। तो नेहा यहाँ पर सेलेक्ट कर रही कपड़े मेरे लिए। तो फिलहाल यहाँ पर नेहा कुछ पीसेज निकाल के उनको देख रही है और मुझे बोला कि आप चेंज करके आओ, कौन सी अच्छी लगती है, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स अभी फिलहाल हम लोग आए तेल फैक्ट्री पर और जिनकी शॉप है ये है रोहित भाई हमारे, रोहित नायक सरकार। और बारा राजस्थान के अधिकतर लोग तो इन्हें जानते होंगे, राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किए हैं इन्होंने, कई बड़े बड़े कार्य किए हैं। और आप लोगों को बता दें कि इनकी शॉप है महालक्ष्मी रेडीमेड शोरूम, जो कि तेल फैक्ट्री पर है। राम जानकी जो मंदिर है उसके पास थोड़ा सा आगे निकलोगे तो वहीं आपको दिख जाएगी, और नीचे मेडिकल है वो भी इन्हीं का ही है। तो आप लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आ सकते हैं और काफी अच्छी रेट में आपको यहाँ पर कपड़े वगैरह मिल जाएंगे। और फिलहाल मैंने भी यहाँ पर शॉपिंग की है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे रोहित भैया आपको बता रहे हैं ये, तो ये शॉपिंग की है। तो आप लोग भी यहाँ पर आए और शॉपिंग करें, और इस मतलब दीपावली पर तो इतने सारे कपड़े आए और अलग अलग वेरायटी के अलग अलग रेट्स में, और चीप रेट्स में जो मार्केट में जाओगे ना उससे सस्ते प्राइस में आप यहाँ पर आकर कपड़े ले सकते हैं। ये देखिए आप, मतलब हर शानदार शानदार कपड़े मिल जाएंगे, बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे, बड़ों के मिल जाएंगे, और लेडीज में टॉप वगैरह है, मतलब जो गर्ल्स वियर है उसमें टॉप वगैरह मिल जाएंगे आपको, उलन में मिल जाएंगे। तो एक बार आए और रोहित भाई की दुकान पे जरूर से जरूर आए। बाकी दीपावली के पहले हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे यहाँ का, जिसके अंदर आपको यहाँ की चीजें भी बता देंगे, यहाँ के कपड़े बता देंगे, रोहित भाई से भी खूब सारी बातें करवाएंगे। तो दोस्तों फटाफट से इनकी दुकान पे आइए और दीपावली की शॉपिंग करिए। तो दोस्तों शॉपिंग वगैरह करने के बाद घर पर पहुंचे, और घर पर पहुंचकर वापस हम लोग निकल चुके थे मैं, युवंश और नेहा, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है उसके बेटे का जन्मदिन था तो हमें यहाँ पर आना था खाना खाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे और रात को तकरीबन 9 बजे पहुंचे। तो फिलहाल यहाँ पर केक कटिंग की तैयारी चल रही थी और मेरे फ्रेंड ने फ़ोन कर दिया था कि जल्दी आओ क्योंकि केक कटने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पर केक कटिंग चल रही है अभी, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा बेटा है मेरे दोस्त का। तो फिलहाल यहाँ पर केक कटिंग हो चुका है, सब हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, और फिलहाल केक भी खा चुका है हमारा जो नन्ना राजकुमार है वो। तो दोस्तों यहाँ पर नेहा और भावना दोनों मिलकर नन्हे राजकुमार को दे रही है गिफ्ट, और उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया। तो दोस्तों आज का ये था व्लॉग, आपको कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड बाय।